मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने हो गए, ये मेरा तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर मुझे याद 7 महीने में, और एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही नहीं रहता कि हम कोई चीज़ आपको बताएं टाइम के बारे में, और आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोग बैठ गए तो क्वेश्चन भी मुझसे किसी भी मुद्दे पर पूछ सकते हैं। पहले मैं इसको अभी ब्रीफ कर दूँगा। ये 19 मार्च को एक घटना हुई थी फूलपुर थाना क्षेत्र में, एक ईंट भट्ठा व्यवसायी थे, उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इसमें उनके एक पुत्र हैं, उनका नाम प्रकाश में आया, और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उन्होंने, वो नाराज़गी थी, प्रॉपर्टी का विवाद था, जो भी पैसा उनके फादर कमाते थे वो अपने दूसरे लड़के को देते थे, इनको नहीं देते थे। उन्होंने ज़मीन भी बेचा था, उसका भी पैसा दूसरे लड़के को दिया, लाल बहादुर जो आरोपी हैं उनको नहीं दिया, इसको लेकर नाराज रहते थे। और इसमें उनकी पत्नी थी जिन्होंने पैसा भी मुहैया कराया था लाल बहादुर का, लाल बहादुर के पास मर्डर कराने के लिए। फिर उन्होंने एक सिज्जन नाम के व्यक्ति से संपर्क किया जो डी गैंग के मेंबर है, हिस्ट्री शीटर भी हैं। उन्होंने अपने ही गैंग के 2 और शूटर के माध्यम से ये हत्या कराया। दोनों शूटर अभी मिल गए, एक अभी जेल जा रहे हैं, लाल बहादुर जो उसमें आरोपी हैं वो जेल जा रहे हैं, बाकी एक से और पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर जैसा कि आपने बताया कि पत्नी का भी इन्वॉल्वेशन था, तो पत्नी के ऊपर किस तरह की पुलिस? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी, जिसका इन्वॉल्वमेंट हो कोई उसमें बचेगा नहीं। क्या क्या मिला है सर इनके पास? इनके पास से वेपन मिला है, सारे टेक्निकल एविडेंसेज हमारे पास हैं। इसमें कोई लूट वगैरह की घटना नहीं हुई थी, इसमें सिंपल ज़मीनी मामले को लेकर के एक मतलब पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या कराई गई थी।